दिल्ली में रोडरेज में एक महिला की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक बदमाश ने मामूली कहा सुनी के बाद बुलेट पर सवार महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने हिसाब बराबर कर लिया। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी माजिद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके दोनों पांव में गोली लगी है। माजिद पर सिमरनजीत की हत्या का आरोप है। सिमरनजीत अपने पति हीरा सिंह के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौजपुर इलाके की तरफ जा रहे थे। बुलेट पर पति पत्नी के साथ उनके दो छोटे बेटे भी सवार थे। जब वो गोकुलपुरी पहुंचे तो उनके बुलेट की स्कूटी पर सवार बदमाश माजिद से टक्कर होते होते बची। दोनों के बीच कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद बदमाश ने अपने पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली बुलेट चला रहे हीरा सिंह की पत्नी सिमरनजीत को लगी और उन्होंने अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। जहां पर एनकाउंटर हुआ वहां की भी तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। लोग अपने जहन में इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, इतनी नफरत लिए सड़कों पर चलते हैं। मामूली सी कहा सुनी में बंदूक की गोली चलाते हुए उनका कलेजा तक नहीं कांपता। अब जरा सोचिए, एक महिला को जो गोली लगी, अस्पताल जाने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया, उनके दो बच्चे उनके पीछे रह गए और अंजाम क्या हुआ? उस गोली चलाने वाले का भी एनकाउंटर हुआ। आरोपी ने जिस सनसनीखेज अंदाज में वारदात को अंजाम दिया है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहासुनी के बाद हीरा सिंह गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे से अपने घर की तरफ जाने लगे, लेकिन गुस्से में बदमाश माजिद चौधरी अपनी स्कूटी लेकर फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचा। वहां से करीब 30-35 फीट की दूरी से नीचे बुलेट मोटरसाइकिल को निशाना लगाकर उसने पिस्टल से गोली चला दी। गोली हीरा सिंह की जगह उनकी पत्नी सिमरनजीत को लग गई। सिमरनजीत को तुरंत GTB अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 40 साल के हीरा सिंह परिवार के साथ उस वक्त भलसवा डेरी की गुरु नानक कॉलोनी में रहते हैं। वो सराय काले खां में बाला साहेब गुरुद्वारा स्थित अस्पताल में एक सुपरवाइजर की भूमिका में है। सोचिए, ये परिवार तो एक क्षण में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। रोड रेज में एक महिला की जान चली गई। वारदात के बाद पुलिस CCTV की मदद से शूटर की तलाश में लगी हुई थी। इसी बीच पुलिस को खबर ये मिली कि माजिद गोकुलपुरी में अपनी ही किसी जानकार से मिलने के लिए आया है और उसके बाद हुए एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। माजिद गाजियाबाद के साहिबाबाद का रहने वाला है। उसके पास से चोरी के बाइक और पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक माजिद पर हत्या और हत्या की कोशिश के कई केस पहले से दर्ज हैं और वो लंबे समय तक जेल में भी रहा है। पहली बार माजिद 2015 में माजिद के साहिबाबाद में गिरफ्तार हुआ था और 6 साल जेल में रहने के बाद वो जेल से बाहर आया। इसके कुछ ही समय के बाद हत्या की कोशिश के केस में वो फिर जेल गया। इस बार उसे 5 महीने के बाद जमानत मिल गई। माजिद की तीसरी बार गिरफ्तारी 2022 में शालीमार गार्डन में एक हत्या की कोशिश के केस में हुई। दिल्ली पुलिस उसकी और कुंडली खंगाल रही है, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन फिलहाल अब ये माजिद व्हीलचेयर पर आ गया है। उसके दोनों पाँव पर गोली लगी है, उसे एनकाउंटर में इन दोनों पाँव में गोली लगी है। उसका हालांकि इलाज तो करा दिया गया है, लेकिन ऐसे अपराधियों को पालते ही क्यों हैं? कई बार आपके भी मन में सवाल आएगा। खैर, कानून कानून होता है और कानून के हिसाब से ही काम होता है। जहां की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही फ्लाईओवर, ये वही बुलेट बाइक जिसके ऊपर सिमरनजीत अपने दोनों बच्चों और अपने पति के साथ सवार थी और उस वक्त उनके ऊपर ये गोली चली। यही वो फ्लाईओवर है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, अभी तक इस मामले में क्या क्या और जानकारियां सामने आई है? देखिए, ये सिमरनजीत कौर अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों के साथ बाइक पर जो है वो मौजपुर इलाके में जा रही थी, लेकिन उस दौरान जो आरोपी है और सिमरनजीत के कौर के पति की जो बाइक है वो आपस में हल्की सी टच हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच में जो है कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने पिस्टल निकालकर गोली चलाई, जिसके बाद जो गोली है वो सिमरनजीत की गर्दन के पास जस्ट नीचे लगी और जिसके चलते उसकी जो है
सिमरनजीत कौर की मौत हो गई, जिसके बाद ये मौके से फरार हो गया था। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, कई जगह पर छापेमारी भी कर रही थी, और अब सुबह जो है गोकुलपुरी के पास ही जो है एक स्कूल है, स्कूल के ठीक सामने जब ये बाइक से जा रहा था, चोरी की बाइक से जा रहा था, तो दिल्ली पुलिस की टीम ने जो है इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये वहां से मौके से फरार होने की कोशिश इसने की, लेकिन इसी बीच जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है गोली चलाई गई, दोनों पैरों में इसकी गोली लगी है, फिलहाल अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है, लेकिन इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहले भी जो है तीन मुकदमों में इसके ऊपर दर्ज है, जिसमें से अटेम्प्ट टू मर्डर और हत्या का मुकदमा भी है, फिलहाल जमानत में बाहर था, जेल में ये कई बार रह चुका है। इसके अलावा चोरी की मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की है पुलिस ने, इसके पास से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस मैगजीन में बरामद किए, एक जिंदा कारतूस जो है वो बंदूक की के चैम्बर में था। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इसने इस पूरी घटना को वारदात को जो है अंजाम सिर्फ रोड रेज के चलते दिया या फिर कुछ और कारण था, पहले से कोई टसल तो नहीं थी, हालांकि शुरुआती जांच में रोड रेज का ही मामला जो है मीनाक्षी सामने आया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे कुमार, और इसलिए सड़क पर चलते वक्त कई बार ये समझ नहीं आता कि रिएक्शनरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, न जाने किसके सिर पर खून सवार है, कौन अपने बगल में बंदूक लिए घूम रहा है और किस घटना को कहां अंजाम दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया कुमार आपका पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली पुलिस ने तो रोड रेज के आरोपी माजिद को मुठभेड़ में पकड़ लिया है, वहीं अब बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर गैंग रेप के आरोपी पर योगी की पुलिस ने एक्शन लिया है। अयोध्या में 12 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, वो एक बार नहीं कई बार उसके शरीर को नोचा गया। हैवानियत का आरोप लगा है समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोइन खान पर। मोइन खान को फैजाबाद के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी माना जाता है। उसका रसूख ऐसा है कि जब पीड़िता की मां ने पुलिस चौकी में शिकायत करने की कोशिश की तो वहां से उसे भगा दिया गया। लाख चक्कर लगाने के बाद भी जब वहां पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, समाजवादी पार्टी ने अब तक उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। जरा सोचिए, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे लेकर विधानसभा में भी सवाल उठाया, लेकिन जब मामला बढ़ा तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और गैंग रेप के आरोपी मोइन खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। मोइन खान समाजवादी पार्टी का नेता है, इसका प्रूफ हमारे पास है। ये लेटर समाजवादी पार्टी के अयोध्या के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव का है। इस लेटर में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें नगर अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें तीसरे नंबर पर जो नाम है वो नाम मोइन खान का है, जो भदरसा का नगर अध्यक्ष है। मोइन खान को फैजाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है। एक तस्वीर आप देख लीजिए साथ में, इस तस्वीर में अवधेश प्रसाद के दाहिने तरफ जो शख्स बैठा हुआ है वह मोइन खान है। इस पर 12 साल के नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप लगा है। अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी मोइन खान को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, मोइन खान समाजवादी पार्टी का भदरसा नगर अध्यक्ष है और एक 12 वर्षीय पिछड़े समाज के बच्चे की गैंगरेप का मुख्य आरोपी है। घिनौने अपराध के आरोप में सांसद अवधेश प्रसाद का भरोसे का हाथ है मोइन खान पर। आरोपी खास वोट बैंक का है और पीड़ित पीडीए का हिस्सा है। अब समाजवादी पार्टी खामोश है, शायद लड़कों से गलती हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला अयोध्या के भदरसा इलाके का ही है। मामला 75 दिन पुराना है, सोचिए जरा, एक महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है।
उससे भी ज्यादा 2 महीने का वक्त बीत चुका है जब उसके साथ गैंगरेप किया गया। अब इस मामले का खुलासा इसलिए हुआ कि पीड़िता गर्भवती है। जब उसके पेट में दर्द हुआ तो परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है। इसके बाद पूरा मामला सामने आ गया। पीड़ित लड़की के मुताबिक 75 दिन पहले जब वो मजदूरी के बाद घर लौट रही थी, जैसे ही मोइन खान की बेकरी के पास पहुंची, मोइन खान ने उसे बुलाया और कहा कि बेटी टोस्ट घर ले जाओ। वो पहले भी उसकी बेकरी शॉप पर जाती रही थी, इसलिए वो वहां पर चली गई। उसके वहां जाने पर मोइन खान के नौकर राजू ने उन्हें पकड़ लिया, उसका मुंह दबा दिया, उसे अंदर लेकर गए, उसके साथ हैवानियत की गई, उसका अश्लील वीडियो तक बनाया गया और साथ ही वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। तो वही राजू और मोहित रहे कहीं नहीं आओ, पापा ले जा। तो पापा जोन बाटे राजू भी रहे, मोहित तो सब वीडियो बनाए। वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने फिर मार बिटिया लेके आए तो पूछे 1-2 महीने के बाद का भवा। तो कहीं के जो वैसे ऐसे राजू मोहित करे हैं, जांच कराए, जांच पे निकला 2 महीने का लड़का। चौकी गए, चौकी में नहीं सुनवाई भर, फिर थाना आए, थाना पर कहीं जोन बाटे उनका नाम काट दिया, राजू का नाम डाला, फांसी हुआ उनका। पीड़िता की मां ने मोइन खान की शिकायत करने के लिए भदरसा चौकी के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहां मोइन खान के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि भदरसा पुलिस चौकी जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग का मालिक भी तो मोइन खान ही है। ऐसे में चौकी इंचार्ज ने उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से ही इनकार कर दिया। इस बात की भनक जब स्थानीय हिंदूवादी संगठनों को लगी तब वो आगे आए, समाज सेवी आगे आए, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बकायदा प्रोटेस्ट किया गया। पीड़ित परिवार को लेकर कलंदरपुरा थाने पहुंचा गया, जहां थाना इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही हिंदूवादी संगठनों के प्रेशर में कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिर पता नहीं क्या हमको कौन सी दवा खिला दी, हमको पता नहीं था। फिर मैं वहाँ बहुत देर रात तक रही, फिर वहाँ से वापस आई। लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। और 2 महीने बाद जब एक दिन और बुलाए तो फिर मैं बहुत रात भर वहीं रह गई। मुझे दवा खिला दिए, लोग मेरे साथ बलात्कार किए। तो मेरी मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ बाद में हमको निर्वस्त्र पाई। तो ये सब मुझे जब पता चला तो मैंने कहा एप्लीकेशन नहीं दिया आपने, तो उसने कहा कि चौकी पर देते हैं, वहाँ मोहित खान आके बैठ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं। तो मैंने कहा कि चलिए मैं लेकर चलती हूँ। तो मैं उनको लेकर के थाने पे गई, एप्लीकेशन दिया, तो यशो साहब ने कहा आप एक नाम हटा दीजिए, आपका मुकदमा अभी दर्ज कर देंगे। तो मैंने कहा नाम नहीं हटेगा, जब वो अपराधी है तो कैसे नाम हटा दें। हम लोग नाम नहीं हटाए, वहाँ बैठे रहे 4 बजे तक। जब मीडिया में सारा एप्लीकेशन घूमने लगा तब ये जाके एसपी सिटी के दबाव में मुकदमा लिखे। मोइन खान समाजवादी पार्टी का नेता है और इलाके में उसका अच्छा खासा रसूख भी है, पैसा भी काफी है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग में किराए पर पुलिस चौकी थी, बैंक है, साथ ही यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद का वो करीबी है। इसलिए सीएम योगी भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ शिकायत को बेहद हल्के में ले रही है। हालांकि रिश्तेदारों का कहना यह है कि बीजेपी इस मामले में मोइन खान को बचा रही है। आरोप लगाया है तो जिसके ऊपर लगाइए आप, उसको तहकीकात करिए, आप उस लड़के को पकड़िए। ये आप कह रहे हैं चौकी उनकी है, इसलिए उसका जो है मतलब उसका पक्ष नहीं लिया गया। वो लड़की इससे पहले कहाँ थी, वो लड़की इससे पहले कहाँ थी? वो बेकरी है उनके घर में, उनके जो है बेकरी में कोई वर्कर काम कर रहा है, वो उनको सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी दे रहे हैं ना, तो वो आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये उनका मैटर नहीं है। वो सिर्फ अपने बेकरी में उससे काम करवा रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, वो बाहर क्या कर रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वही तो कह रही हूँ सर कि राजनीति हो रही है, आप उसके पीछे देखिए कि लड़की के पीछे कौन खड़ा है, उसको देखिए ना, इतना बड़ा आरोप लगा दिया, 4-6 लोग इकट्ठे हो गए, सारे सारे 4-6 लोग इकट्ठे हो गए, किसी को भी गलत ठहरा देंगे, सारे भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब प्रश्न दुश्मन निकाल रहे हैं, कभी का निकाल रहे हैं वो लोग। इस तरह से थोड़ी होता है कि किसी एक को आप कह दें कि उन्होंने रेप किया, अरे उनकी एज तो देखिए।
हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। देखिए, दोनों पक्ष का अपना अपना बयान है, लेकिन इस वक्त सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पीड़िता की स्थिति कैसी है, वो कहां पर है। देखिए मीनाक्षी, चूंकि ये पूरा मामला थाना पूरा कलंदर अयोध्या में आता है, इसलिए हम इस समय वहीं पर मौजूद हैं। थाने की जो टीम है वो इस समय जांच कर रही है। वजह यह है कि जो चौकी हुआ करती थी, स्थानीय चौकी, वो मोहित खान की बिल्डिंग में ही हुआ करती थी, जिसे इस मामले के सामने आ जाने के बाद से, एफआईआर दर्ज होने के बाद से और मोहित खान और राजू की गिरफ्तारी के बाद से उसको फिलहाल वहां से शिफ्ट कर दिया है। जहां तक पीड़िता की आपने बात कही मीनाक्षी, जो प्राथमिक उपचार केंद्र है, प्राथमिक उपचार केंद्र में उसके बाद जिला अस्पताल में पीड़िता का इलाज किया गया और उसके बाद पीड़िता को छुट्टी दे दी गई। फिलहाल वो अपने घर पे अपने परिजनों के साथ है, लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है कि मोहित खान के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई शुरुआत में होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव लोकल पुलिस पर इस बात को लेकर के बिल्कुल था, क्योंकि उसकी बिल्डिंग में चौकी पहले शिफ्ट हुआ करती थी और चूंकि चौकी उसके घर में ही हुआ करती थी, उसी परिसर में हुआ करती थी, लिहाजा उसका दबाव पूरी तरीके से लोकल पुलिस पर था। यही वजह है कि जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि जब शुरुआत में हम गए तो पुलिस ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन जब हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले में धरना प्रदर्शन किया, लोकल बीजेपी के लोगों को इस बात की जानकारी मिली, धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस कप्तान तक मामला पहुंचा, लखनऊ तक मामला पहुंचा, तब जाकर के इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। लेकिन चूंकि पूरा मामला समाजवादी पार्टी के मोहित खान से जुड़ा हुआ है, जो कि यहां के सांसद यानी कि फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का भी खास बताया जा रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मामले में समाजवादी पार्टी के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। वहीं अवधेश प्रसाद, जो कि चाहे विधानसभा का मामला हो, लखनऊ का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, देश का मामला हो, हर मामले में वो बोलने में मुखर रहते हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में वो बोलने में काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहे हैं। समझा भी जा सकता है, उनके खास आदमी, उनके करीबी आदमी मोहित खान के ऊपर संगीन आरोप लगा है और गिरफ्तार किया गया है पूरा कलंदर थाने की पुलिस द्वारा, और इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, लेकिन राजनीति का दौर लगातार अभी भी इस पूरे मामले में जारी है। जी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए। आप इस वक्त वही मौके पर मौजूद है, आप डिटेल्स इकट्ठा करते रहे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, वो समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं, तो अब अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सीएम की प्रतिष्ठा वाले दिए गए बयान पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को किसने ठेस पहुंचाई। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम कह रहे हैं कि सामने वालों से पर बता रहे हैं पीछे वालों को। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने व्यापारी और प्रदेश की बेटी की सुरक्षा पर बोलते हुए कहा था, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, उत्तर प्रदेश में जो जैसा करेगा वो भुगतेगा भी। प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए।